Hey guys, this is Dumpster, और आज मैं आपको कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड एट वॉर की स्टोरी को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। और वैसे भी मैं आज से कॉल ऑफ ड्यूटी सागा की शुरुआत कर रहा हूं, जहां हर हफ्ते आपको कोई नई कॉल ऑफ ड्यूटी स्टोरी लाइन वीडियो देखने को मिलेगी। तो बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्रेस दैट लाइक बटन, और इसी के साथ लेट स्टार्ट दिस वीडियो। सो इस गेम में दो मेन कैंपेन्स हैं, पहला अमेरिकन और दूसरा सोवियत कैंपेन, एंड दोनों ही वर्ल्ड वॉर 2 के एरा पे बेस्ड हैं। सो अगस्त 1942 प्राइवेट सी मिलर और उसकी मरीन स्क्वाड को इंपीरियल जापानीज आर्मी माकिन आइलैंड पे पकड़ टॉर्चर कर मार रही होती है, एंड वो मिलर को मारने ही वाले होते हैं कि मरीन रेडर्स की एक और स्क्वाड वहाँ मिलर को बचाती है। इस स्क्वाड को कॉर्पोरल रोबक और सर्जेंट सुलेवान लीड कर रहा होता है। अब मरीन रेडर्स की ये स्क्वाड पूरे माकिन आइलैंड पे जापानीज बंकर्स और बेसिस को असोल्ट कर डिस्ट्रॉय कर रही होती है, एंड सारे बेसिस को डिस्ट्रॉय कर वहाँ से निकलती। अब सितंबर 1942 स्टालिनग्राद में 62nd राइफल डिवीजन का सोल्जर प्राइवेट दिमित्री पेट्रेंको अपने आप को अपने एलाइज के डेड बॉडी के साथ पाया देखता है, एज ये बटालियन को जर्मन सोल्जर्स ने खदेड़ मार दिया था। दिमित्री अपने साथ एक और सोल्जर सार्जेंट रेजनोव को जिंदा देखता है, एंड यहाँ रेजनोव दिमित्री को अपनी स्नाइपर राइफल दे उसे जर्मन जनरल हेनरिच आर्मसेल को मारने को कहता है, एज यही सोवियत यूनियन में हुए काफी सारे क्राइम्स का रिस्पॉन्सिबल है। अब दिमित्री और रेजनोव दोनों स्टेल्थ फाइट ले जर्मन सोल्जर्स से भागते दिमित्री की यूनिट के बचे कुछ लोग से मिल रीग्रुप हो जर्मन की कम्युनिकेशन पोस्ट पर हमला करते हैं, जहां रेजनोव और दिमित्री दोनों अपने सोवियत एलाइज को स्नाइपर कवर देते हैं, एंड दिमित्री के आर्मसेल को स्नाइपर से मारते उनकी पोजीशन जर्मन को पता चल जाती है, एंड उनके हमला करते दोनों उनसे बच वोल्गा रिवर में जंप करते हैं। अब सितंबर 1944 यूएस मरीन स्क्वाड जापान के पलाव और मरियाना आइलैंड पर हमला कर बैटल ऑफ पेलेलू में पार्ट लेती है। यहाँ यूएस मरीन जापानीज आर्मी को उन्हीं के बीच से खदेड़ उनकी आर्टिलरीज और बंकर्स को डिस्ट्रॉय करती है, कि वही एक जापानी सोल्जर के सुलेवान को स्टैप करते उसकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद रोबक को सर्जेंट की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया जाता है। अब मरीन स्क्वाड के साइलेंट के फ्रंट लाइन पे बढ़ते ये लोग वहाँ के एयरफील्ड को कैप्चर कर वहाँ रखे एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को डिसेबल करते हैं, जिससे उन्हें एयर सपोर्ट मिल सके, एंड इसके बाद वो बाकी के आर्टिलरीज और मोर्टार क्रूज पे हमला कर वो आइलैंड अमेरिकन्स के हाथ आता है। अब अप्रैल 1945 यूएस एयरफोर्स जापानीज मर्चेंट शिप्स पे रेड करती है, जहां यूएस की ब्लैक कैट बटालियन का ऑफिसर लोकी यूएस एयरफोर्स की पीबीवाई कैटेलिना फाइटिंग प्लेन का यूज कर जापानीज शिप्स को डिस्ट्रॉय करता है, बट वही यूएस की फिफ्थ फ्लीट पे हमला हो जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ के सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करते हैं, बट वही जापानीज टॉरपीडो बोट्स और फाइटिंग एयरक्राफ्ट जीरोस वहाँ हमला कर देते हैं, और उनसे लड़ते कैटेलिना की एमोस भी खत्म हो जाती है, कि वही यूएस एयरफोर्स की स्क्वाड्रन वॉट F4U-1 सीज अहम मौके पे वहाँ सारे जीरोस को मार कैटेलिना को बचाती है। अब मई 1945 मिलर की स्क्वाड जापान के ओकिनावा आइलैंड पे हमला कर देती है, एंड वो लोग वहाँ लगे सारे मशीन गन्स और बंकर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे यूएस टैंक्स आगे बढ़ सके। इसके बाद अमेरिकन शूरी कासल पे हमला कर काफी सारे जापानी सोल्जर्स को मार देते हैं, जिनमें से कुछ सरेंडर भी कर रहे होते हैं, बट असल में वो सुसाइडर्स थे जो कि ग्रेनेड से लैस थे। और जब रोबक और पोलिंस्की दोनों उनको सर्च कर रहे होते हैं तभी वो उन पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद मिलर के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो रोबक को बचाए या फिर बोलेंसी को, एंड उन दोनों में से वो जिसको भी बचाएगा वो दूसरे सोल्जर जो कि मर चुका है उसका डॉग टैग उठा मिलर को दे देगा। अब वहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ जापानी सोल्जर्स के आते सारे अमेरिकन सोल्जर्स पिन डाउन हो जाते हैं, बट वही बाकी के यूएस मरीन स्क्वाड्स के आते सब जापानी सोल्जर्स पे हमला कर देते हैं, एंड मिलर भी एएसएक्स से पूरी शूरी कासल को डिस्ट्रॉय कर जापानी सोल्जर्स की लास्ट बटालियन को मार ओकिनावा में कब्जा करते हैं। अब अप्रैल 1945 ओकिनावा वाले इवेंट्स के एक महीने पहले बैटल ऑफ सीलो हाइट्स में दिमित्री अपनी थर्ड शॉक आर्मी को एडवांस करते वक्त जर्मन के हाथों पकड़ा जाता है, जिसे बाद में रेजनोव बचाता है। रेजनोव यहाँ दिमित्री को प्राइवेट चेरनोव से इंट्रोड्यूस कराता है, जो कि जर्मन्स के लिए एक मर्सीलेस सोल्जर है, जिसके बाद रेजनोव और दिमित्री दोनों T-34 टैंक से जर्मन टैंक्स और उनके बेसिस को डिस्ट्रॉय करते हैं, एंड इसके बाद पूरी रेड आर्मी एक ट्रेन को बोर्ड कर बर्लिन की तरफ निकलती है, एंड बर्लिन पहुंचते सारे सोवियत सोल्जर्स जर्मन पोस्ट पर हमला कर देते हैं, एंड बर्लिन के यूबान स्टेशन में एंटर करते जर्मन सोवियत सोल्जर्स को मारने के लिए पूरे स्टेशन को फ्लड कर देते हैं,
पर ड्रेजनोव, चर्नोव और दिमित्री तीनों बच रिमेनिंग रेड आर्मी के साथ जर्मन गवर्नमेंट बिल्डिंग रिचस्टैग पे हमला कर देते हैं। चर्नोव एंट्रेंस पे एक फ्लेम थ्रोअर से मारा जाता है, जिसके बाद रेड आर्मी रिचस्टैग में घुस सारे जर्मन डिफेंडर्स को मारती है और दिमित्री सोवियत फ्लैग लगाने जा ही रहा होता है कि एक जर्मन सोल्जर उसे शूट कर देता है, जिसके बाद रेजनोव एक मशीटी से उस सोल्जर को ब्रूटली मार दिमित्री को फिर से खड़ा करता है एंड रेजनोव नाजी फ्लैग कार्ड उसे गिरा। दिमित्री सोवियत रशिया का फ्लैग बर्लिन में लहराता है और यही इस गेम का एंड होता है। You can make it, my friend. You always survive. The honor should be yours. As long as you live, the heart of this army can never be broken. Things will change, my friend. As heroes, we will return to Russia's embrace. सो गाइस, यही थी कॉड वर्ल्ड एट वॉर की स्टोरी, जो कि भले ही छोटी थी बट ये आज तक की वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस गेम थी, जो कि आज भी खेलने लायक है। खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आए देन प्रेस द लाइक बटन, और गेमिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और फ्यूचर वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय द वे, अब आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो एंड मुझे सोशल मीडिया में फॉलो कर मुझसे इंटरेक्ट भी कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप गेमिंग, बाय बाय, सी यू।